हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग इस वक्त हो रही है। आज मतदाता जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग को अब क्योंकि 9 बज चुके हैं तो 2 घंटे वक्त पूरा हो चुका है। 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी और अब 9 बज चुके हैं तो 2 घंटा पूरा हो गया है और इस दौरान मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज हरियाणा के 9 जिले, इनमें भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में वोट डाले जा रहे हैं और पंचायत चुनाव के पहले चरण के तहत इन 9 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए मतदान हो रहा है। हरियाणा में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पहले चरण में 9 जिलों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त आपको हम 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें 3 अलग अलग जगहों की है, पानीपत, भिवानी और कैथल की, जहां पर मतदान को लेकर जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस वक्त मेरे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। पवन कुमार महेंद्रगढ़ से जुड़ चुके हैं, नवीन शर्मा भिवानी से और विपिन शर्मा कैथल से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पवन का रुख करेंगे महेंद्रगढ़ की ओर। पवन, महेंद्रगढ़ में 2 घंटे में मतदाताओं का उत्साह किस तरीके का दिख रहा है, क्योंकि अब अगले 1 घंटे में मत प्रतिशत भी आने शुरू हो जाएंगे कि कहां पर कितना मतदान हुआ है। देखिए, बिल्कुल काफी उत्साह मतदाताओं में देखा जा सकता है। इस वक्त हम महेंद्रगढ़ जिले के कोटिया गांव में मौजूद हैं, जहां पर एक स्कूल के अंदर 3 बूथ बनाए गए हैं और काफी उत्साह, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो लाइनें लगी है और लगातार जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंच रहे हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे जिले में किए गए हैं। 3000 जो पुलिस कर्मचारी है उनको अलग अलग बूथों पर तैनात किया गया है प्रशासन की तरफ से। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ थे वो चिन्हित किए गए थे। जिले में करीबन 200 से ज्यादा ऐसे बूथ हैं जो संवेदनशील है और अति संवेदनशील है। और अगर बात करें मतदाताओं की तो 5,12,000 जो मतदाता है वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। जिले के अंदर 691 बूथ बनाए गए हैं और आज जो जिले के 19 जिला परिषद के जो वार्ड है उनके लिए चुनाव किया जा रहा है। साथ ही जो ब्लॉक समिति के 154 वार्ड है उनके लिए चुनाव कराया जा रहा है। हालांकि जो ब्लॉक समिति के जो 154 वार्ड है उनमें से जो 3 वार्ड के लिए निर्विरोध ब्लॉक समिति के जो सदस्य हैं वो चुने जा चुके हैं। वार्ड नंबर 23 से प्रियंका यादव और वार्ड 22 से राजेश कुमार और वार्ड 17 से जय प्रकाश, ये जो 3 लोग हैं ये निर्विरोध चुने जा चुके हैं। उसके अलावा जिला परिषद और ब्लॉक समिति के लिए लगातार जो वोटिंग है वो महेंद्रगढ़ के अंदर जारी है। जी चलिए ठीक है पवन, और अब रुख करेंगे भिवानी, जहां से नवीन शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, भिवानी में 2 घंटे में किस तरीके का उत्साह मतदाताओं ने दिखाया है? जी बताना चाहूंगा, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी जिला पार्षद व ब्लॉक समिति चुनाव को लेकर के, लेकिन अगर जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है लोगों में आवागमन बढ़ रहा है, सुबह से वोटिंग की बात किया 2% के लगभग भिवानी में पूरे जिले की अभी तक वोटिंग हुई है। तो सुबह जो वोटर है वो सुबह काफी कम निकले हैं, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है तो काफी वोटर निकले हैं। कुछ वोटर भी जुड़े हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या उनके मुद्दे हैं, क्या समस्याएं हैं। जी क्या नाम है जी, क्या दिक्कत है आपको? अमित नाम है जी, और दिक्कत ये जी गांव की, हमारे ड्रेनेज सिस्टम का जो पानी की निकासी है वो बहुत बेकार है और गांव में जगह जगह कूड़ा कचरा गिरा हुआ है। हमने यही सोच के वोट दिया, अभी जो भी हमारा जिला परिषद या मेंबर बीडीसी या मेंबर बनेगा और सरपंच के साथ मिलके काम करेगा, गांव का ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने का काम करेगा, गांव की साफ सफाई पे ध्यान दिया जाएगा, गांव के तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कुछ और लोग भी जुड़े हैं, लेकिन सुबह सुबह जैसे दिन चढ़ रहा है लोग भी जुड़ आ रहे हैं, लोग वोटिंग भी बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है। कि क्या नाम है, क्या दिक्कत है? जयपाल है जी।
जो युवा है काफी, तो किस तरह का वो जो चुनना पसंद करेंगे? तो ईमानदार हो और काम करवाए, अच्छा हमारे गांव में विकास करवाए, जैसे सड़कों के किनारे डाल रहे हैं वो ना डाले, के उचित व्यवस्था करी चलिए जाए ठीक है गांव में। नवीन, और भी जुड़े आप थे हमारे क्या? साथ बने रहिएगा, कैथल चलते हैं। विपिन शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, लगातार सुबह से ही कैथल के का स्टेटस क्या है उससे हमको अपडेट करवा रहे हैं। विपिन, 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है, इन 2 घंटे में कैथल में मतदाताओं ने किस तरीके का उत्साह दिखाया है? जी मैं बता दूं कि अथल के मैं गांव जगदीशपुरा में सुबह से ही हूँ, तो जब से वोटिंग शुरू हुई है लगातार लाइन नहीं टूट रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लगातार लोग वोट डालने के लिए आ रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। भाई साहब इधर आना, मुद्दों को लेकर आप वोटिंग कर रहे हैं, कैसे तो आप वोट डालने? हम इन मुद्दों पे वोटिंग कर रहे हैं कि आगे हमारे गांव में कोई ना कोई विकास होगा, कुछ ना कुछ सुधार होगा, अच्छे से और भी बढ़िया गाँव को कोई अच्छा मतलब के स्कूल थोड़ा अच्छे से पढ़ाई होगी, जो कि अभी बंद होने वाला था, कि दोबारा से स्टार्ट हो, अच्छे से चले, 8वीं तक है, कम से कम 10वीं तक होना चाहिए, और अच्छे से कोई खेल ग्राउंड वगैरह होना चाहिए, विकास होना चाहिए गांव का, बच्चों का विकास होना चाहिए जो मेन पढ़ रहे हैं। तो वोट डालना कितना जरूरी मानते हैं? बहुत जरूरी है, ये हर एक के लिए जरूरी है, जो भी वोट डाल सकता है उसको वोट डालनी चाहिए, ये हर किसी का हक है। तो गांव में समस्याएं क्या क्या, निकासी, मेडिकल से तो कैसा देखते हैं आप? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, अगर कोई ध्यान से देखे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई सुधार करना चाहे तो। जी आप भी कुछ बताना चाहेंगे? नहीं नहीं बताइए। एक तो बच्चों के लिए स्कूल होना, ग्राउंड होना चाहिए खेलने के लिए, वो नहीं है यहाँ पे, और साफ सफाई भी नहीं है, मतलब साफ सफाई के लिए जो कर्मचारी है वो भी साफ सफाई नहीं करता, एक आधा कर्मचारी और भी होना चाहिए। ये मुद्दे रहेंगे आपके वोट डाल रहे, जिसको लोग आप चाहेंगे भी वो ये काम करे। हाँ जी, और जो जवान लड़के हैं उनको यहाँ पे नौकरियां नहीं मिल रही, उनको नौकरियां भी जरूरी चाहिए। बस आपके मुद्दे क्या रहेंगे वोट डालने के लिए, काम समस्याएं क्या क्या? सभी लोग नहीं बोल पाते हैं कैमरे, लेकिन गांव लोगों की जो गांव की मेन समस्या है, उनका मानना है कि स्कूल 8वीं तक का है तो यह स्कूल 10वीं तक का होना चाहिए, +2 तक का होना चाहिए, निकासी होनी चाहिए, इस तरह के मुद्दे को लेकर लोग वोट डाल रहे हैं। और सुबह से ही लगातार मैंने कहा कि काउंटर 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं है, वोट डालने में लोगों का रुझान है और लोग वोट रुचि से डाल रहे हैं। चलिए ठीक है विपिन, एक बार फिर से पवन का रुख करते हैं जो महेंद्रगढ़ से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। पवन, जब महेंद्रगढ़ से लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग इस वक्त मतदान कर रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में अमूमन जितने लोग हैं उनकी समस्या कॉमन है, मसलन कूड़े का उठान हो या फिर पानी निकासी, जल जमाव जिसको हम कहते हैं, ये एक बड़ी समस्या है। शिक्षा को लेकर भी लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ और उस पूरे क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पानी की कमी भी एक बड़ी समस्या है जिसको लेकर लोग वोट डाल रहे होंगे। जो लोग आप जिनसे आपने बातचीत की होगी, वोट डालने से पहले उनके जहन में चल क्या रहा है? देखिए बिल्कुल, जो ये दक्षिण जो हरियाणा है और खास तौर पर जो महेंद्रगढ़ जिला है, ये डार्क जोन में कहा जाता है, और यहाँ जो ग्राउंड वोटर है वो काफी नीचे चला गया है। साथ में जो पानी निकासी की बात करें, क्योंकि जब हमारा जो जो देहात का दंगल जो अपना जो स्पेशल कार्यक्रम जो चलाया जा रहा था, तो उसमें हम गांव गांव में जब गए थे तो मतदाताओं ने ये कहा था कि हर गांव में सभी मतदाताओं ने ये कहा था कि जो जल भराव की समस्या है वो बड़ी समस्या है, साफ सफाई की व्यवस्था, साथ में शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, ये तमाम मुद्दे मतदाताओं ने कहे थे, और उन्हीं के साथ में उन्हीं मुद्दों को सोच के उस के साथ में मतदाता मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ मतदाता हमारे साथ में, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो क्या सोच के मतदान कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं। क्या नाम है जी आपका? मंजन सिंह। क्या कहेंगे, क्या मुद्दा है और क्या सोच के वोट कर रहे हैं? जो मुद्दा है जी, आपको सोच के तो अच्छा वोट करना चाहिए, अच्छा जिला होना चाहिए, अच्छा काम हो, अच्छा बढ़िया जीत। समस्या की बात करें, किस तरह की समस्या है गांव में और क्या चाहोगे, अगर कोई भी कैंडिडेट आता है तो क्या काम सबसे पहले करें? सबसे पहले ये काम करें जी, बढ़िया काम करें उसको वोट दीजिए। ये तो कुछ और मतदाता भी साथ में है, क्या नाम है आपका? योगेंद्र कुमार। क्या कुछ सोच के, क्या सोच के वोट करेंगे, क्या कुछ मुद्दा है? गांव में अच्छी साफ सफाई हो, अच्छा काम हो, उसी को वोट देंगे।
कैसा कैंडिडेट चुनोगे अभी? साफ अच्छा साफ स्वस्थ सभी का हो, सही हो, पढ़ा लिखा हो, बढ़िया हो। आप क्या कहेंगे जी? मतदान का हमारा अधिकार है और अच्छा कैंडिडेट चुनेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि जो मतदाता है वो करीबन जैसा कि हमने बताया कि हर गांव में इसी तरह की समस्या, जल भराव की समस्या हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, इसी तरह की समस्या है। और जो मतदाता का ये कहना है कि सोच समझ कर वोट करेंगे, जो गांव के अंदर जो अहम मुद्दे हैं विकास को लेकर उन्हें ध्यान में रखते हुए अपना मत का प्रयोग मतदाता महेंद्रगढ़ के अंदर भी कर रहे हैं। और अभी अभी जो मतदाता मतदान का जो पोलिंग प्रतिशत है वो भी अभी अभी सामने आया है। तो अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो जो महेंद्रगढ़ के 8 ब्लॉक है तो 8 ब्लॉक में 3 से 4.5 तक मतदान यहाँ हो गया है और अभी भी मतदाता लगातार मतदान के लिए आ रहे हैं। जी ठीक है, एक बार फिर से रुक करते हैं विपिन का, जो कैथल से मेरे साथ जुड़े हुए पवन, आप बने रहिएगा। विपिन, अमूमन हम ये देखते हैं कि शुरुआत के 2 घंटे में जो मत प्रतिशत होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अभी जो हरियाणा में हम ये देख रहे हैं कि जो मत प्रतिशत है वो कंपैरेटिवली काफी कम है। इसकी वजह क्या है कि संडे का दिन है तो छुट्टी का दिन है, तो लोग इस मूड में हैं कि हम वक्त के थोड़ा वक्त गुजर जाए फिर हम जाएंगे। दूसरा यह है कि सुबह 7 बजे से 6 बजे तक एक लंबा टाइम है वोटिंग का, यह भी एक वजह है। और तीसरा कि सर्दी का दिन था तो सुबह जब हम लोग बात कर रहे थे तो 6-6:30 बजे तक तो अंधेरा था, तो लोग इस इंतजार में थे कि एक बार दिन खुल जाए फिर हम वोट डालने के लिए जाएंगे। जी मैं बता दूं कि ये जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव है, इसमें बहुत ज्यादा प्रत्याशियों के प्रति रुचि नहीं रहती, कुछ सीटों पे हॉट सीट हो जाती है। ज्यादातर ये चुनाव इसी तरह से मध्यम थोड़ी स्पीड से चलता है। अगर ये चुनाव सरपंची का होता तो एक एक वोट के ऊपर नजर होती है, एक एक कैंडिडेट पे को लोग चुनते हैं, अभी इसके चुनना है हमने, इसको नहीं चुनना है। लेकिन जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव में प्रत्याशियों के प्रति इतनी रुचि नहीं होती ज्यादातर। तो कुछ लोग अगर मैं यहाँ से नाम भी पूछूंगा तो प्रत्याशियों के नाम भी नहीं बता पाएंगे, सिर्फ सिंबल याद करके आएंगे हमने उसको वोट देना है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है कि इसमें लोगों की जो वोट प्रतिशत है वो कम रहती है लोगों, क्योंकि अगर उसी गांव का प्रत्याशी है जिस गांव में वोट डल रही है तो वहां वोट प्रतिशत ज्यादा रहेगा। अगर प्रत्याशी उस गांव का नहीं है, ब्लॉक समिति का हो चाहे जिला परिषद का हो, तो वोट प्रतिशत बहुत कम रहेगा, यहाँ तक कि पोलिंग एजेंट भी उपलब्ध नहीं होते। चलिए विपिन बहुत बहुत शुक्रिया, पवन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नवीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, पंचकुला में पंचायत चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। बरवाला खंड में जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए वोटिंग हो रही है। यहां पर 183 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, इनमें 13 संवेदनशील और 13 अति संवेदनशील बूथ हैं। तमाम मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज 9 जिलों में वोटिंग हो रही है। जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। हम पंचकुला के गांव बरवाला में खड़े हैं जहां पर आज जिला परिषद और ब्लॉक समिति के चुनाव हुए हैं। एक मतदाता हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। उन्होंने किस मुद्दे को लेकर जो है आज वोट की है, वोट की बात करें तो क्या नाम है मैम? मेरा नाम आरुषि सिंगला है। आरुषि जी, आज आपने वोट किए हैं, क्या मुद्दा देखकर आपने अपनी वोट की है? हमारे बरवाला को तरक्की दे इसलिए हमने उन्हें वोट की है। ठीक है, आगे आगे जो नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो हमारे बरवाला में लेके आए। ठीक है, तरक्की करें बरवाला की। यहाँ पर बुरा बहुत जगह कूड़ा करकट है जिसे वो साफ करवाए, साफ सुथरा रखें बरवाला को, प्रदूषित रहित रखें। सभी जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिले और जो नए यंगस्टर हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले, इसलिए हमें नए यंगस्टर्स को चुना है ताकि वो हमारे बरवाला की तरक्की करें। जो पहले गांव में विकास नहीं होते अब शायद हो जाएं, जैसे ये खड्डे पड़े हैं ये बढ़ जाएं, ये गांव की सड़कें और भी जो भी कार्य रहते हैं वो हो जाएं, बस इसलिए। मैंने वोट इसलिए किया है कि जो विकास कार्य करते हैं गांव में उनके उनको लेकर, हाँ जी उनको लेकर पहले काम हुए गांव में। हाँ जी,
बरवाला गांव के विकास के लिए युवाओं को रोजगार का मुद्दा लेकर जो है आज यहां पर वोट की गई है। आप देख सकते हैं कि 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी और लोग जो है यहां पर वोटिंग करने के लिए मतदाता जो है यहां पर पहुंच रहे हैं और अब तक जो है वोटिंग के लिए पूरी तरह से भीड़ जो है यहां पर केंद्र पर देखने को नहीं मिली है क्योंकि सुबह का वक्त है, 7 से 10 बजे के बीच में ही जो है वोटिंग प्रक्रिया होती है, उसी में ही जो है भी काफी भीड़ देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ दिव्या राणा, जी मीडिया पंचकुला। पानीपत की बात करें तो यहां पर 529 पोलिंग बूथों पर मतदान जारी है। इनमें 121 संवेदनशील और 187 अति संवेदनशील बूथ हैं। हालांकि तमाम बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा में पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज 9 जिलों में वोटिंग हो रही है और ये वोटिंग शाम को 6 बजे तक चलेगी। पानीपत में 457,632 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। भिवानी में भी वोटिंग हो रही है और भिवानी में मतदान केंद्रों के बाहर भीड़ नजर आ रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो भिवानी में आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर मतदाताओं की अच्छी खासी भीड़ सुबह से ही मतदान केंद्र के बाहर नजर आ रही है। मशीनों को दुरुस्त हालत में सील पैक किया गया एजेंटों के सामने और सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से सुख शांति है, शांति प्रिय मतदान चल रहा है और आशा करते हैं दिन में भी सुख शांति और धैर्य से सहनशीलता से इलेक्शन होगा, बाकी सब ठीक है। आम लोगों से तो अपील हमारी यही है, सभी लोग वोट करें, शांति प्रिय करें और वोट का अधिकार सबका है, इसका प्रयोग करें, वोट अवश्य करें। यमुनानगर में भी वोटिंग हो रही है, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई है और जिले में वोटिंग को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। जिला परिषद और पंचायत समितियों के लिए लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं।